हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायरल स्पॉटलाइट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैंसी त्यागी के बारे में, जिन्होंने अपनी खुद की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर कैंस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से छोटी सी जगह से उठकर एक बड़ा मकाम हासिल किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी लाइफ स्टाइल, स्टोरी, फैमिली, बॉयफ्रेंड, हाउस, कार कलेक्शन और उनकी नेटवर्क के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है नैंसी त्यागी और निक नेम है नैंसी। ये प्रोफेशन से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 2001 को बरनवा भागपत उत्तर प्रदेश में हुआ था और 2024 के हिसाब से 23 साल की हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बरनवा भागपत से ही कंप्लीट की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। बात करें इनकी फैमिली के बारे में तो इनकी मदर का नाम माया त्यागी है। इनका एक भाई भी है जिसका नाम मनु त्यागी है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अनमैरिड हैं और करंट रिलेशनशिप में ये सिंगल हैं। ये नेशनैलिटी से इंडियन और रिलीजन से हिंदू हैं। बात करें इनके करियर की तो 12 की पढ़ाई करने के बाद नैंसी यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई। कोरोना काल में इनकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ने लगी और इसी दौरान इन्होंने सिलाई का काम शुरू किया। नैंसी सोशल मीडिया पर अपने द्वारा सिले गए कपड़ों का वीडियो शेयर करने लगी, जिससे उन्हें ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। नैंसी ने इस साल कैंस फिल्म फेस्टिवल में अपने आउटफिट से भारत का नाम रोशन किया है। इस आउटफिट को इन्होंने खुद डिजाइन किया है, जिसे बनाने में इन्हें 1000 मीटर कपड़ा लगा। ये ड्रेस इन्होंने एक महीने में तैयार की है। बात करें इनकी हॉबीज के बारे में तो इनको डांसिंग, ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग का काफी शौक है। बात करें इनके हाउस के बारे में तो ये अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हैं। इनका नैंसी त्यागी यूजर नेम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर 12.1 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो ये थी नैंसी त्यागी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।